विद्या भारती पूर्वोत्तर क्षेत्र की वार्षिक साधारण सभा संपन्न। विद्या भारती पूर्वोत्तर क्षेत्र की वार्षिक साधारण सभा चंद्रपुर के हाजोंगबाड़ी में विद्या भारती बहुमुखी शैक्षिक प्रकल्प में संपन्न हुई। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रताप ज्योति सैंदिके, राष्ट्रीय राष्ट्र सेवक संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख सुनील देश पांडे, विद्या भारती के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री गोविंद चंद्र महान जी उपस्थित रहे। सभा की अध्यक्षता विद्या भारती पूर्वोत्तर क्षेत्र के अध्यक्ष जयकांत शर्मा ने की। सभा के मुख्य अतिथि में के रूप में डॉक्टर प्रताप ज्योति सैंदिके ने कोरोना काल में शिक्षा क्षेत्र में उभरे नए प्रयोगों व शिक्षा में तकनीकी माध्यमों के उपयोग के बारे में बताया। सभा के मुख्य वक्ता सुनील देश पांडे जी ने शिक्षा में कौशल विकास के महत्व, विद्या भारती के आचार्यों के मूल्य आधारित विकास के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। विद्या भारती के अखिल भारतीय मंत्री व पूर्वोत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री ब्रह्मजी राव ने कार्य का परिचय प्रस्तुत करते हुए संतनु रघुनाथ सेंडे स्मृति पुरस्कार के बारे में जानकारी प्रदान की। विद्या भारती पूर्वोत्तर क्षेत्र वार्षिक साधारण सभा अनुषित हल। इतनी विभिन्न प्रानर अहन आलोचना करूँ आगंत दिन आम जी कार्यसूची कार्यसूची सम्पर्क आम इतना विशेषको राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो आम विद्या भारती शिक्षा व्यवस्थार विद्या भारती पूरे मातृभाषा माध्यम शिक्षा व्यवस्था ग्रहण करिसे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक समर्थन राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्पूर्ण प्रयोग करार कारण आम विद्या भारती चिंता चर्चा चल आसे और विभिन्न प्रांतर विद्या भारती पूर्वोत्तर क्षेत्र के वार्षिक साधारण सभा में हमारा जो कार्य चल रहा है सभी पूर्वोत्तर के राज्य में इससे इसका समीक्षण हो रहा है। इस समीक्षण के बाद आगे क्या करना है इसके बारे में भी चर्चा हुई है। खासतौर पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हम लोग नया एजेंडा लेना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक तरह से विद्या भारती का जो शिक्षा व्यवस्था है इससे मिलता जुलता है। जो मातृभाषा माध्यम के जो शिक्षा है और जो सर्वांगीण विकास के लिए जो शिक्षा है, इसलिए विद्या भारती संकल्पबद्ध है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए हम जो लगाएंगे उसके लिए जो एजेंडा लेना है।